हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के लेक्चर 20 में हैं। आज हम लोग फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये यूनिट 4 है। इस यूनिट का नाम आपका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पोर्शन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। पहले हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पर आएंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने फंक्शन पढ़ा था, फिर हमने डेरिवेटिव्स पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था कि डेरिवेटिव्स कैलकुलस का पार्ट है, जिसमें हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। dy/dx क्या डिनोट करता था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने देखा था कि वो स्लोप दिखाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि डेरिवेटिव जो है उसका एक एप्लीकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसका स्लोप निकालने का के लिए यूज होता है। और स्लोप एक्चुअली क्या होता है, उसके डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि किसी मैथमेटिशियन ने बोला था कि जो dy/dx है वो जो कर्व है उसका टेंजेंट कहलाता है। यानी कि किसी भी कर्व का जो है उस पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट निकालना चाहें, ठीक है, ये हमारा पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हमें इस कर्व की स्लोप चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट P पे हम लोग dy/dx निकालेंगे। अगर y/fx ये हमारा गिवन है, तो हम लोग dy/dx एट x इक्वल्स टू a, मान लीजिए ये a पॉइंट है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कर्व का, इसको हम लोग स्लोप बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ द कर्व एट x इक्वल्स टू a। तो हमारे सिलेबस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सबसे पहला तो टेंजेंट ही निकालना है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना। ठीक है, यहाँ पे तो हमने स्लोप सिर्फ निकाला है, स्लोप ऑफ द कर्व एट एक्स इक्वल्स टू ए, लेकिन हमें ये जो टेंजेंट है इसका अगर हम टी नाम देंगे तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, वो हम अभी नहीं निकाल लेते, सिर्फ हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो एप्लीकेशन होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, दूसरा होगा रेट एंड मोशन, रेट एंड मोशन। रेट एंड मोशन का मतलब होगा कि किस रेट से ये जो स्लोप एक्चुअली जो है dy/dx, ये हमारा बताता है कि एक पॉइंट पे जो है ये स्लोप जो है इसकी कितनी है। अगर हम इसके जस्ट बगल में यहाँ पे एक टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो एक हमारा नया dy/dx बनेगा। ये पॉइंट अगर P1 है तो, या P' है, तो एक नया यहाँ स्लोप आएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो स्लोप है उस किस रेट से चेंज हो रहा है। तो ये जो हमारा रेट है वो हमारा दिखाएगा कि कोई भी ग्राफ है y=fx, तो उसका जो स्लोप है किस रेट से चेंज हो रहा है। अगर आपको पता हो तो जैसे हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या स्पीड निकालते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को हम लोग स्पीड बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग रेट और मोशन में भी डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं। तीसरा जो हमें पढ़ना है वो मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी हम लोग डेरिवेटिव के हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर में, इसी यूनिट का हिस्सा है। और फोर्थ जो हमारा होगा, जो लास्ट में आएगा, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग बाद में देखेंगे इसका क्या मीनिंग होता है। थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, अगर ये कर्वेचर है हमारा, तो इसे हम लोग एक छोटे से पार्ट को हम लोग एक सर्किल का हिस्सा मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मैं सर्किल बना लूँ, तो अगर ये वाला पार्ट इस सर्किल का हिस्सा है तो इसका हम लोग एक रेडियस निकाल सकते हैं, तो वो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लीजिए ये एक सर्किल का हिस्सा हमारा बन रहा है, इस तरह का कोई सर्किल, तो ये जो पार्ट है ग्राफ का, ये जो है इस सर्किल का हिस्सा है, तो इसका हम लोग जो रेडियस निकालेंगे उसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो निकालते हैं। इस वाले में अगर हम लोग ये एंगल थीटा बोलते तो क्या होता,
डी वाई बाई डी एक्स को हमने वहाँ पे भी देखा था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये टेन थीटा के बराबर होता है, इसे ही हम लोग स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, हमें अगर मान लीजिए ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट में फ्रेश ग्राफ बना दे रहा हूँ मैं, ये हमारा मान लीजिए पी पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट हमें एक्स वन कोमा वाई वन पता है, ये हमारा पी पॉइंट है, इसका एक्स वन और वाई वन कोऑर्डिनेट है पी पॉइंट का, और ये हमारा थीटा एंगल है, ये पॉइंट टी मान लेते हैं, और ये फंक्शन वाई बराबर एफ एक्स है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो ये टेंजेंट है पी और टी, हमारा टेंजेंट का लाइन है, इसी का हमें इक्वेशन लिखना है। और ज्योमेट्री से हमें क्या पता है, अगर पी पॉइंट एक्स वन वाई वन है तो इसके थ्रू इक्वेशन की लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक है, इसका हमें इक्वेशन पता है ज्योमेट्री के थ्रू, वाई माइनस वाई वन स्लोप टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप लोग नोट डाउन कर लें, ज्योमेट्री में हम लोग ये पढ़ते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट, इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये पी पॉइंट एक्स वन वाई वन है, तो हमें सिर्फ एक अननोन वेरिएबल इसमें एम है, अगर एम कैलकुलेट कर लें तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, और एम को हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो ये स्लोप, ये एम क्या होता है, ये स्लोप होता है, और स्लोप हम लोग ऑलरेडी यहाँ से निकाल चुके हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो हम लोग यहाँ पे वाई माइनस वाई वन, और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स, इसका मीनिंग क्या होता था, एट एक्स इक्वल्स टू ए डी वाई बाई डी एक्स पहले कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें एक्स को ए पुट कर देंगे, ए करने का मतलब क्या है हमारा, अगर हम लोग ए पॉइंट पर निकाल लें, एक्स इक्वल्स टू एक्स वन पर निकाल लें, तो हम लोग एक्स इक्वल्स टू एक्स वन पुट करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट हमारा क्या है, एक्स वन है। ठीक है, और बाकी एक्स माइनस एक्स वन तो एज इट इज रहेगा, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सिंपल नोट डाउन कर लीजिए। और इसी में सिंपली हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना होगा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर हमें निकालना हो फिर से हमें ज्योमेट्री की एक प्रॉपर्टी की यूज होगी कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो, ये मान लीजिए लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, इसका स्लोप M2 है, इसका स्लोप M1 है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, M1 into M2 equals to minus 1, ये हमें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, इसके हेल्प से हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम ग्राफ से लिख रहा है, पॉइंट हमारा अभी भी पी होगा, नॉर्मल का क्या मतलब होता है कि वो उस पर परपेंडिकुलर बना रहा हो, जैसे ये हमारा लाइन L1 है, तो ये अगर इस पर परपेंडिकुलर है
तो इसको हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं कि L1 इज नॉर्मल टू L2, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं L2 इज नॉर्मल टू L1। उस केस में दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग सिंपली लाइन के इक्वेशन जैसे लिखते हैं, अभी जैसे लिखा था उसी तरह से लिखाएगा, वाई माइनस वाई वन, यहाँ का स्लोप कुछ और होगा, एक्स माइनस एक्स वन। और हमें क्या पता है, जो हमने अभी एम लिखा था इस वाले को, इसका और M1 का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। एम तो हमें पता है, तो M1 क्या निकल के आ गया, -1 अपॉन M, यानी -1 अपॉन dy/dx एट x=x1। सिंपली इसे पुट कर देंगे तो हमें नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी, M1 -1 अपॉन dy/dx एट x=x1 × x-x1। अगर हमने इसे डिनोमिनेटर में लिखा है तो ऑब्वियसली इसका क्या मतलब है कि dy/dx जो होगा वो x=x1 पे ≠ 0 होगा, क्योंकि 0 से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये वाला कंडीशन अभी हम देखते हैं, कि अगर मान लीजिए हमारे पास dy/dx 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, tan θ 0 हो गया। यहाँ से tan θ 0 मतलब क्या हुआ, ये लाइन क्या हो गया, θ 0 मतलब एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा ये वाला, या तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो या तो इस तरह की लाइन है या फिर इसी पे लाइन लाई कर रहा है, तभी हमारा क्या होगा, θ=0। tan θ 0 मतलब क्या हो गया, θ 0, हमने स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़ा हुआ कि θ 0 होता है तो tan θ 0 होता है। θ 0 का मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको नीचे ले आएंगे तो क्या होगा, थीटा छोटे होते होते 0, अगर एक्स एक्सिस पर आ गया तो 0 होगा, या फिर इसके पैरेलल भी हम लोग शिफ्ट करेंगे तो इसके इसका जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ है वो क्या है, 0 है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है दोनों। तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि टेंजेंट जो हमारा पैरेलल टू टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन भी या ये फिर एक्स एक्सिस भी टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर ये इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं तो एक इसका दूसरा भी केस हो सकता है। अच्छा, इस केस में नॉर्मल क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/dy/dx 0 हो गया, तो 1/0 इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट से किसी फाइनाइट नंबर में x-x1 फाइनाइट होगा तो वो भी 0। तो सिंपली इस केस में नॉर्मल का इक्वेशन, ये तो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, तो नॉर्मल क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मल जो होगा y=y1 बन जाएगा। ठीक है, dy, अच्छा dy/dx 0 है तो मतलब क्या हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया तो मतलब इसको इस साइड से ले जाएंगे 0, ये d 0 है तो इस साइड ले जाएंगे तो ये 0 होगा, तो x-x1=0, यानी x=x1 हमारा जो होगा वो हमारा क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, और पैरेलल ये हमारा कुछ वैल्यू हो गई, मान लीजिए y1 अगर हम लोग ले लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट की y=y1। ठीक है, टेंजेंट की वैल्यू होगी ये नॉर्मल की। दूसरा केस लेते हैं, अगर हमारा dy/dx अगर इनफाइनाइट हो गया तो उसका मतलब क्या होगा, tan θ=∞। हमें पता है कि थीटा जब π/2 होता है तो tan θ इनफाइनाइट होता है। थीटा π/2 का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री, मतलब ये एंगल जो है हमारा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आ गया, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो हमारा क्या हो गया वैल्यू, टेंजेंट लाइन जो हो गया वो क्या हो गया, टेंजेंट क्या हो गया, इज पैरेलल टू, पैरेलल के लिए ये भी सिंबल यूज करते हैं,
पैरेलल टू वाई एक्सिस, जस्ट इसका अपोजिट हो गया। वाई एक्सिस के पैरेलल कहने का मतलब हो गया कि इस तरह से हमारा टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये अगर एक्स वन पॉइंट है तो हम लोग बोल सकते हो एक्स इक्वल्स टू एक्स वन हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, और नॉर्मल का इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, इस पर नॉर्मल क्या था, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि वाई इक्वल्स टू वाई वन, अगर कोई पॉइंट वाई वन है तो। इस सिंबल को हम लोग पैरेलल टू के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो सिंबल है इसको हम लोग परपेंडिकुलर टू के लिए, शायद आप लोगों को पता होगा, परपेंडिकुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वन वन लिखा हुआ है तो पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर का मतलब एक लाइन खींचा और उस पर एक परपेंडिकुलर छोटी सी लाइन बना दी, उसे हम लोग परपेंडिकुलर के लिए यूज़ करते हैं, सिंबल का बात है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इस पे एक दो सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। पहले तो पहला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पाराबोला, पाराबोला उसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू फोर ए एक्स एट, पॉइंट गिवन होगा हमें किस पॉइंट पे निकालना है, पहला पॉइंट गिवन है एक्स वन कोमा वाई वन, और दूसरा पॉइंट गिवन है ए टी स्क्वायर कोमा टू ए टी। तो जो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, कोई भी कर्व गिवन है तो वो अगर किसी पॉइंट पे हमें टेंजेंट या नॉर्मल निकालना है तो ये कंपलसरी है कि वो पॉइंट उस कर्व पे लाइक करेगा, मतलब यहाँ अगर पाराबोला है हमारा स्टैंडर्ड पाराबोला का ये कर्व होता, अगर इस तरह का हमारे पास पाराबोलिक इक्वेशन है तो ये तय है कि अगर हमें किसी पॉइंट पर टेंजेंट नॉर्मल निकालना है तो वो पॉइंट उस पर लाई करना ही चाहिए। जैसे ए वाला है एक्स वन वाई वन तो इस पर लाइक करेगा, दूसरा वाला है ये पॉइंट तो ये भी लाइक करेगा, ए टी स्क्वायर कोमा टू ए टी। तो पहले अगर वेरीफाई करेंगे ये लाइक करेगा तो इसको हम लोग इस इक्वेशन में लिख देंगे, तो क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स वन, ये इक्वेशन वन हमारा फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। बी वाले पार्ट के लिए अगर हम चेक करना चाहेंगे कि ये इस पर लाइक कर रहा है कि नहीं, हम लोग पहले पुट करके देखते हैं LHS में, LHS में हमने पुट किया y के बदले 280, तो क्या बन गया 280 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और सेकेंड में हमने 4 ए एक्स बदले ये पुट किया ए टी स्क्वायर, तो ये फिर से हमारे पास क्या बन गया 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो मतलब क्या हो गया LHS बराबर RHS, मतलब ये पॉइंट अगर हम क्यों नाम दिए हैं तो क्या हो गया Q lies on parabola, ये हमारा तय है कि ये हमारा होगा ही होगा, इसे आपको पता होगा। तो हम लोग बोलते हैं पारामेट्रिक फॉर्म, पारामेट्रिक फॉर्म ऑफ पाराबोला, ये आपका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये आप नहीं भी दिखा सकते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि जिस भी पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं टेंजेंट और नॉर्मल, वो पॉइंट उस कर्व पे हमेशा लाई करेगा, ठीक है। चाहे तो आप लोग एक नोट लिख सकते हैं,
नोट द पॉइंट ऑन विच वी कैलकुलेट टेंजेंट एंड नॉर्मल Tangent and normal must lie on the curve. Must lie on the curve का मतलब है कि either वो उसको satisfy कर रहा होगा और अगर हमें x1 y1 के फॉर्मेट गिवन है तो वो उस रिलेशनशिप को होल्ड करेगा, ट्रू होगा उस रिलेशन के लिए. तो either हम उसे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस दिखा सकते हैं या फिर हम उसे इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के उसके रिलेशन को यूज कर सकते हैं कभी भी कहीं भी. तो ये हमारा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. इसके लिए डायरेक्ट है बट इसके लिए हमें थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इसलिए हमने इस पर नोट भी लिखा है. ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए फिर हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन इसका भी हम लोग कर रहे हैं. पहले हम लोग ए पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें ए पार्ट का करना है. अगर हमें इक्वेशन गिवन है वाई इक्वल्स टू फोर ए एक्स तो हमें क्या करना होता था, इस पॉइंट में हमें पता है कि टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिख रहे थे, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन. एक्स वन वाई वन तो हमें नोन है, सिर्फ एम नहीं पता. एम क्या होता था, स्लोप, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. वाई स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन के लिए क्या होता था, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको. चाहे तो आप सब्जेक्टिव में लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले तो वाई के रिस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर एक एक्स्ट्रा टर्म आता था हमने देखा था डी वाई बाई डी एक्स का. इस साइड फोर और ए तो कांस्टेंट है और एक्स का डिफरेंशियल वन हो जाएगा. ठीक है, तो इसे अगर हम लोग रीअरेंज, ये टू से फोर कैंसिल होकर टू बनेगा, रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टू ए अपॉन वाई. ठीक है, किस पॉइंट पे चाहिए हमें, एक्स वन वाई वन पे. तो स्लोप हमें कहाँ चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू एक्स वन, वाई इक्वल्स टू वाई वन भी लिख सकते हैं हम लोग. पॉइंट पी पे कौन सा एक्स की वैल्यू एक्स वन है, वाई की वैल्यू वाई वन है. और यहाँ पे हमें पता है कि टू ए अपॉन वाई वन है, एक्स तो है नहीं यहाँ पे, तो हमें वाई के बदले सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा वाई वन. यानी ये हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया. अगर टेंजेंट में पुट करेंगे तो क्या होगा, टी से हम लोग नोट कर रहे हैं, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप टू ए अपॉन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन. ठीक है, इसे हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं. वाई वन को इस साइड ले आए तो वाई वन वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू टू ए एक्स माइनस एक्स वन. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, वाई इंटू वाई वन माइनस वाई वन का स्क्वायर टू ए एक्स माइनस टू ए एक्स वन. ठीक है, इसको हम लोग उस साइड ले जाते हैं, y y1 बराबर y1 का स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस टू एक्स वन. अब हम लोग इक्वेशन वन को देखते हैं, y1 का स्क्वायर क्या है, फोर ए एक्स वन. यहाँ हम लोग पुट करते हैं तो क्या बन गया, फोर ए एक्स वन प्लस टू ए एक्स माइनस टू ए एक्स वन. ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ये हम लोग लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन वन क्योंकि वो पी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा. अब हम क्या देख रहे हैं, फोर एक्स वन और माइनस टू एक्स वन कैंसिल, एक दो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बन जाएगा टू ए एक्स वन प्लस टू ए एक्स. हम चाहे तो टू ए कॉमन ले सकते हैं तो क्या बनेगा, एक्स एक्स वन. तो हमारा फाइनल इक्वेशन टेंजेंट का जो आया वो क्या हो गया, वाई वाई वन इक्वल्स टू
टू ए टाइम्स एक्स प्लस एक्स वन, ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन बन गया। ठीक है, सिमिलरली हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे। ये आपने नोट डाउन कर लिया। नॉर्मल के क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, एन से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, वाई माइनस वाई वन था और स्लोप क्या हुआ था, माइनस वन टाइम्स एम आ गया था एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, एम हमने अभी निकाला था वो क्या आया था, टू वाई डी वाई वाई डी एक्स इक्वल्स टू फोर ए, ये कैंसिल हो गया था और डी वाई वाई डी एक्स इक्वल्स टू टू ए वाई वाई, तो एम हमारा क्या निकल के आ गया था, टू ए अपॉन वाई वन। ठीक है, क्योंकि हमने एक्स वन और वाई वन पॉइंट पे निकाला था। अब इसे हम लोग यहाँ पे सिंपली वो एम का वैल्यू पुट कर देंगे, टू ए अपॉन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, तो ये क्या बन गया, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई वन ऊपर गया टू ए एक्स माइनस, ये हमारा इक्वेशन अब नॉर्मल है। आप चाहें तो इसे सेट भी लिख सकते हैं, टू ए वाई माइनस वाई वन माइनस ऑफ वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। इसे हम लोग ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि हमें कुछ एडवांटेज यहाँ से मौका नहीं मिल रहा है लिखने का। ठीक है, तो ये सिंपली हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब पॉइंट बी पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट बी पे कैलकुलेट करने के लिए हमें जो डेरिवेटिव सीखा था पैरामेट्रिक फॉर्म में वो पता होना चाहिए, कैसे हम लोग निकालते थे। अगर एक्स और वाई दोनों पैरामेट्रिक फॉर्म में होता था तो हम लोग क्या करते थे, पहले उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते थे फिर रेशियो लेते थे। तो यहाँ पर हमारा एक्स क्या है, अब हम लोग बी का सोल्यूशन कर रहे हैं, एक्स हमारा ए टी स्क्वायर है और वाई हमारा टू ए टी है। तो पहले तो हम इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ए कॉन्स्टेंट था टी स्क्वायर का टू ए टी हो जाएगा और डी वाई वाई डी टी हमारा टू ए हो जाएगा, सिंपल। और हमें डी वाई वाई डी एक्स निकालना होता था तो क्या करते थे, रेशियो डी वाई वाई डी टी अपॉन डी एक्स वाई डी टी रेशियो ले लेते हैं, तो डी वाई डी टी तो टू ए था और ये टू ए टी यानी वन वाई टी हमारा स्लोप निकल के आ गया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे तो सिंपली क्या होगा, वाई माइनस वाई वन, वाई वन तो हमें पता है क्या है, वाई वन टू ए टी है, स्लोप हमारा ये वन वाई टी और ये एक्स माइनस ए टी स्क्वायर। इसे चाहे तो आप इस साइड ला के लिख सकते हैं, तो सिंपली हमारा इक्वेशन हो जाएगा टी टाइम्स वाई माइनस टू ए टी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए टी। ठीक है, और नॉर्मल का इक्वेशन हमारा क्या होगा, वाई माइनस टू ए टी इक्वल्स टू, इसका स्लोप अगर वन बाई टी है एम, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, एम इंटू एम वन बराबर माइनस वन, एम वन बराबर माइनस वन बाय एम, एम की वैल्यू ये है, इसको पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस टी, यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस टी टाइम्स एक्स माइनस ए टी स्क्वायर, एक्स वन हमारा ए टी स्क्वायर है। तो ये हमारा टेंजेंट और नॉर्मल का पैरामेट्रिक फॉर्म में
ये क्वेश्चन आ गया, सिंपलीफाई कर सकते हैं टी से मल्टीप्लाई करके, अदरवाइज इस तरह से भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन गिवन है एक, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व गिवन है हमें, पहला वाई इक्वल्स टू 3x रेस पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल्स टू 4, और दूसरा इसी में हमारा y इक्वल्स टू x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड में, और x नॉट इक्वल्स टू 2, और पॉइंट गिवन है एट x इक्वल्स टू 10। तो हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ स्लोप पूछा गया है, इस बार हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्लोप पूछा गया है, मतलब टेंजेंट का इक्वेशन नहीं पूछा गया, हमें सिर्फ स्लोप वैल्यू पूछा गया है, मतलब हमें उसकी टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है सिर्फ उसकी कर्व, मान लीजिए ये हमारा कर्व है तो सिर्फ हमें इसकी स्लोप पूछी गई, इस लाइन की इक्वेशन नहीं, सिर्फ आप बोल सकते हैं कि ये वैल्यू पूछी गई है टेन थीटा की वैल्यू, स्लोप का मतलब टेन थीटा या डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लोग स्लोप को क्या लिख सकते हैं, एम बराबर डी वाई बाई डी एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा एक्स रेज पावर 4, तो यानी 4 बाहर मल्टीप्लाई 3 से 12, एक्स रेज पावर 3 माइनस 4 हो गया, और इसे हम लोग एक्स की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, यानी एम कहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 4 पे 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4, ठीक है ये हमारा सिंपली वैल्यू हो जाएगा, 4 का क्यूब क्या होगा 64 माइनस 4, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 को कितना होगा 12 4 जो 48, और 12 6 जो 72, और 4 76 यानी 768 माइनस 4 यानी 764। इस तरह से हमें स्लोप की वैल्यू आ गई, मतलब ये क्या होगा ये 10 थीटा के बराबर होगा, तो थीटा के फॉर्म में अगर हमें लिखना होगा तो टेन इनवर्स 764 रेडियन में आएगा ये, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, बट यहाँ पे सिंपली हमें इतना आंसर यहाँ पे शो करना है, स्लोप जो है ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन जो है, दोनों अलग क्वेश्चन है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये अल करो ये अलग करो, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, और यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में x माइनस टू है इसलिए x हमारा 2 के बराबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि x बराबर 2 रखने पर क्या होगा डिनोमिनेटर 0, मतलब नीचे डिनोमिनेटर 0 तो ये इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगा, जो अनडिफाइंड है वैसा हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हमें x इक्वल्स टू 10 पे टेंजेंट या स्लोप निकालना टेंजेंट का, तो डिफ्रेंशिएट हमें तो करना है पहले, तो इसमें हम लोग डिविजन रूल जो पढ़े थे वो अप्लाई होगा कि डिनोमिनेटर को हम लोग स्क्वायर लिखते हैं, फिर ऊपर पे डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमेरिकल न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा एक्स का, ये तो 0 होगा, और फिर से हम लोग न्यूमरेटर को बाहर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से 1, 2 कॉन्स्टेंट है 0 होगा, तो सिंपली क्या बन गया एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, और ये यहाँ से बन गया एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1, ये माइनस एक्स कट गया, ये बन गया माइनस टू प्लस वन माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। अब जो है एक्स की वैल्यू 10 पुट कर देंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा, यानी डी वाई वाई डी एक्स या फिर एम जो भी नाम दें, एक्स इक्वल्स टू 10 मतलब माइनस वन अपॉन 10 माइनस टू का होल स्क्वायर, तो माइनस वन में 8 का स्क्वायर बन गया
एंड माइनस 1/64 हमारा इसका आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, से आप लोग नोट डाउन कर लें। एक क्वेश्चन करते हैं, यह आपके 2017 में पूछा गया था। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। टू द कर्व y इक्वल्स टू क्या गया हमने 5x² - 2x + 3। ये कर्व गिवन है और किस पॉइंट पे निकालना है एट 1.6। तो ये आप देख सकते हैं कि 1.6 इस पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 6 है, 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 5 - 2 + 3। 5 - 2 = 3 + 3 = 6। तो y की वैल्यू 6 आ गई, मतलब ये पॉइंट इस पर लाइक कर रहा है। तो हमें सिंपली इस पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले तो स्लोप निकालेंगे। dy/dx क्या होगा 10x - 2, ये डिफरेंशियल हो गया। अब हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं dy/dx एट x = 1, क्योंकि सिर्फ x का टर्म है तो y = 6 हम लोग कहीं पुट नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग जो दोनों पॉइंट को रखते अगर ज़रूरत होती तो सिर्फ x है, तो हम लोग सिर्फ x को पुट करेंगे। तो 1 पुट किया तो 10 - 2 यानी 8 आ गया स्लोप। तो सिंपली टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो गया y - y1 = 6, स्लोप मतलब 8, x - x1 = 1। इस पॉइंट पे हमें निकालनी थी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा y - 6 को इस साइड ले गया तो +6, इसे ओपन कर रहे हैं हम लोग +8x - 8, तो ये बन गया 8x - 2। तो इक्वेशन फाइनली टेंजेंट का क्या हो गया y = 8x - 2। ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। और नॉर्मल का इक्वेशन सिमिलरली लिखा है y - y1, स्लोप क्या हो जाएगा इस केस में -1/8 × x - 1। तो 8 इधर मल्टीप्लाई होगा इस बार y - 6, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x + 1। ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे यहाँ पे तो 8y - 48 -(-x + 1). 48 को साइड ले जाएंगे तो 8y = +48 - x + 1 + 1 = 48 = 49 बन गया और ये -x। तो हमारा नॉर्मल का इक्वेशन क्या बन गया 8y = x - x + किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं 49। ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल का था, जितने भी वेरिएशंस हो सकते थे हमने इसको यहाँ पे फिनिश कर लिया। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो सेकेंड हमने पढ़ा था, पहला हमारा टेंजेंट नॉर्मल था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ए और डी का, दूसरा हमारा रेट एंड मोशन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।